जितना टेस्ट तुम्हारा कार के मामले में अच्छा है ना, उतना ही खराब तुम्हारा लड़कियों के मामले में है। काफी ओल्ड स्कूल टाइप्स हो तुम। आई मीन हैंडसम दिखते हो। कनाडा में वेल सेटल्ड एनआरआई हो तुम, तुम्हें तो कोई भी लड़की हाँ कर देगी। और तुम आ गिरे इसी काली कलूटी की झोली में। लगता है सारा टाइम ना तुमने सिर्फ अपनी बॉडी बनाने में ध्यान दिया। खूबसूरत लड़की पे तो तुम्हारा कभी ध्यान ही नहीं गया। Really? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कोई भी लड़की ना नहीं बोलेगी? I mean, तुम भी नहीं। I'm impressed. मुझे लगता है कि हम दोनों को ना थोड़ा वक्त और साथ में बिताना चाहिए। हो सकता है कि मेरा टेस्ट चेंज हो जाए। Excuse me. Hello. शानू दिमाग खराब हो गया तेरा? बेवकूफ है तू? हाँ? अभी क्या बिगाड़ी से उतर? उतर गाड़ी से, सवाल ना कर मेरे से। ये जो तू विक्की को बस जीजू जीजू करके घूम रही है ना, उसके साथ एक नंबर का लफंगा है। मैंने और तेरी नानी ने ना उसको लूटी के वास्ते पैसे देके सेट कर रखा है। उतर। स्टॉप। व्हाट? कार साइड में रोको। व्हाट? मैंने कहा कार साइड में रोको। पर हुआ क्या शना, टेल मी। मेरा स्टॉप आ गया है। कनाडा रिटर्न। यू ओए सुनो, आज हल्दी है मेरी, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, सब टाइम पे रेडी हो जाइए। पता है ये बाप का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? अपनी बेटी की शादी को बड़े चाव से करना। आज इस घर में तुम दोनों की हल्दी की रसम है, और इस रसम को लेके पता नहीं कितने कितने सपने देखे थे। कोई सपना पूरा होता दिख नहीं रहा मुझको। एक तरफ सोनी ने कह दिया है कि शनाया की हल्दी की रस्म उनके घर होगी, एक तरफ तेरे ससुराल वाले हैं जो कह रहे हैं कि सारी रस्में हम कनाडा करेंगे। भाई आज तेरी भी तो हल्दी की रस्म का दिन है। भाई मैं यहीं रहूंगा पूर्णिमा के पास, आज मैं नहीं जा रहा उधर। पापा जी। नहीं पुत्र, कुछ नहीं बोलना। हम दोनों बाप बेटी मिलके ना तेरी हल्दी की रस्म पूरा करेंगे। ठीक है रौनक नहीं है, पर हम मिलके रौनक लगा लेंगे। तेरे अकेले का हक नहीं है पूर्णिमा पे, मैं भी बराबर का हक रखती हूँ। मैं भी कहीं नहीं जाने वाली, यही रहूंगी। ठीक है, हम सब मिलके तेरी हल्दी की रस्म मनाएंगे। बीजी पापा जी, आप लोगों को क्या हो गया है? आज शानू की शादी की पहली रस्म है, उसके साथ उसका परिवार नहीं होगा तो बताइए उसे कैसा लगेगा? आपको जाना चाहिए। मन तो मेरा भी था पूर्णिमा, तेरे पापा जी सही कह रहे हैं कि तू अपनी बहन की हल्दी में शामिल होती, पर क्या करें। मम्मी मेरी हल्दी तो हो गई, देखिए हल्दी पीसते पीसते मेरे हाथ भी पीले हो गए। ले बाकी रसम मैं पूरी कर देता हूं। अभी आप जाके तैयार हो जाइए। आपको और बीजी को मेरी कसम, शनाई की हल्दी है, आप दोनों जाइए। चलो जी छत्ती करो, तैयार हो जाते हैं, जाना भी है ना। खुश रहे बीजी। भाभी डेकोरेशन कैसा लग रहा है?
बबली, मेक श्योर कि अरोरास के घर से आई हल्दी मेरे बेटे और बहू के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कहां से चीप हल्दी उठा के लेके आएंगे वो लोग। उनकी आई हुई हल्दी कहीं दूर रखवा देना। उन लोगों से वैसे भी रिश्ता जोड़ने के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। मैं नहीं चाहती कि शनाया और सुमित की स्किन पर वो साइड इफेक्ट्स आ जाएं। इसलिए मैंने स्पेशली ऑर्गेनिक हल्दी मंगवाई है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय शनाया। हाय। हाय। प्लीज। भाभी इनको देखते ही ना मेरे टीबी में लग जाते हैं। तन बदन में हॉक। भाभी लास्ट टाइम याद है कि नहीं बेइज्जती करवाई थी इन लोगों ने? इनका आना जरूरी था क्या? शनाया की फैमिली इस फंक्शन में होना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अगर ये शनाया की फैमिली ना होते तो अभी गेट के बाहर खड़े होके हमारी गाड़ियों को देख रहे होते। शनाया की बात अलग है। मेरे बेटे और बहू की शादी सारे शहर के पेज 3 में आने वाली है बहुत जल्द। शनाया का चेहरा एक ब्रांड बन जाएगा। वाओ भाभी, बिजनेस में रिश्ते और रिश्ते में बिजनेस करना ना कोई आपसे सीखे। हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। मॉम एक मिनट। हाँ शुरू करते हैं, पर भाई के बिना कहाँ मजा आएगा हल्दी का। अरे कार्तिक, कार्तिक हाय। सॉरी मैं लेट हो गया। चलो अंकल, पूरा परिवार इधर है लेकिन पूर्णिमा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो नहीं आई क्या? नहीं पुत्र, वो क्या है कि उसको कनाडा जाना था ना, तो कनाडा की तैयारियां चल रही हैं, पैकिंग वैकिंग कर रही है वो। पूर्णिमा ने मुझे बताया भी नहीं कि वो हल्दी में नहीं आने वाली है। विकी जी, आप इस वक्त? अब इतनी भी हैरान मत होइए जैसे कि आप मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अंदर आने की परमिशन मिलेगी घर के होने वाले दामाद को? सॉरी, अंदर आइए। जी वो सब शनाया के हल्दी में गए हैं। अगर आपको पापा जी से बात करनी है तो आप कल सुबह आ सकते हैं? नहीं, मुझे आपसे ही काम था। जी क्या काम? हाँ वो एक्चुअली जो वीज़ा के पेपर्स हैं उनके साथ आपकी डिटेल्स भी चाहिए। मेरा मतलब है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और अगर आपके नाम इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर्स। वीज़ा के लिए प्रॉपर्टी के पेपर्स लगते हैं क्या? नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर हम प्रॉपर्टी के पेपर्स ऐड करते हैं तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग होता है और उससे वीज़ा मिलने में आसानी होती है। वैसे मैंने पापा जी को इसके बारे में आपके पापा को इसके बारे में बताया था, उन्होंने आपको बताया नहीं? ओके, एक्चुअली वैसे भी इन पेपर्स के साथ प्रॉपर्टी पेपर्स के जेरोक्स ही लगने हैं, तो आप एक काम करिए, आप ओरिजिनल लेके मेरे साथ चलिए, वहाँ पे हम जेरोक्स करा लेंगे और आप ओरिजिनल वापस ले लेना। नहीं विकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर आपको पेपर्स चाहिए तो मैं आपको लाके देती हूँ। आपका काम हो जाए तो आप वापस लौटा देना। या श्योर, ओके। ओ जी, मास्टर स्ट्रोक लग गया, सीधा तीर निशाने पर लगा और काम हो गया। कौन सा काम हो गया विकी? काम, हाँ, वीजा के लिए अप्लाई किया है ना, तो उसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, उसी काम की बात कर रहा था। कार्तिक, मैं अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं, बाद में मिलता हूँ। विकी जी, आप विकी नहीं, कार्तिक, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। नहीं, वो अभी, हाँ, हमारी मुलाकात हुई बाहर। तुम मुझे देख के इतना शॉक्ड रिएक्शन क्यों दे रही हो? ओ हाँ, तुमने मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, अब तो विकी का इंतजार होता होगा। नहीं, आप अंदर आइए। मैं अंदर आने नहीं, तुम्हें ले जाने आया हूँ। सुना पैकिंग चल रही है तो मैंने सोचा हेल्प कर दूँ, दो लोग होंगे तो जल्दी हो जाएगा और तुम्हें अपनी बहन की हेल्दी मिस नहीं करनी पड़ेगी। कार्तिक जी, अभी तक पैकिंग नहीं हुई है, बहुत काम बाकी है। 11,488 किलोमीटर जी, इंडिया और कनाडा के बीच का डिस्टेंस, यानी 14 घंटे की फ्लाइट। पता है कितनी दूर जा रही हो तुम उससे? आई मीन, हम सब से, अपनी फैमिली से, और बाकी जो थोड़ा सा टाइम बचा है वो भी तुम हमारे साथ बिताना नहीं चाहती। अब इतने दिनों में इतना तो रिश्ता बनाया है मैंने कि तुमसे ऐसा सवाल पूछ सकूं, और अगर तुम्हारे पास अपनी बहन की हल्दी मिस करने का कोई कारण है तो मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और अगर नहीं तो फटाफट तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। कार्तिक जी, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? सलवार सूट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा पहन के आऊं? नहीं नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है ये ड्रेस भी, और आई मीन परफेक्ट है। चले, मेरे बार बार इंसल्ट करने के बावजूद तुम पर कोई असर नहीं होता, बेशर्मों की तरह कोई ना कोई बहाना करके घर चली आती हो।
चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम क्या मिस करने वाली थी। अब हुई ना आपकी फैमिली कंप्लीट। आप पूर्णिमा को मिस कर रहे थे ना? कार्तिक बाबा, मैडम और सुमृत बाबा काफी देर से आपको ढूंढ रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। हाँ जी, तू चल मेरे साथ। मम्मी, दिमाग खराब हो रखा है तेरा? हाँ, हल्दी के साथ साथ अकल भी पीस के पी गई क्या? ये बहन की खुशियां देखी नहीं जा रही जो आग लगी अंदर से। यहाँ चली आई, मुंह उठाए। Big happy family. कार्तिक, कहाँ रह जाते हो तुम? हमेशा तुम्हें ढूंढना पड़ता है। मॉम, मैं पुरानी रस्मों का तो मजा ही कुछ और है। और हाय, हमारे जमाने की शादी की तो बात ही ना करो। पुनी जी ने देख लिया ना तो तमाशा हो जाना। भूल गई क्या? मेरे शानू के विवाह की सबसे बड़ी और सबसे मनहूस रुकावट तू है पूर्णिमा। मम्मी, मैं आना नहीं चाहती थी, पर कार्तिक जी माने नहीं। क्या कह दी मैं उन्हें? सच कहने तो सोनी जी ने मुझे खुद मना किया है ना। सोनी जी का ना नाम मतलब अपने मुंह से। उन्होंने देख लिया ना तो हल्दी छोड़ के मिट्टी मल देनी हमारे चेहरे पे। और बबली जी, उनकी तो नजर वैसे चील जैसी और अकल लोमड़ी जैसी। और जाना हमने, अब जा तू यहाँ से, जा। मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरा परिवार की नजर मुझ पे ना पड़े। हाँ हाँ बेटा, तू तो मिस्टर इंडिया है ना, कोई देख नहीं पाएगा तुझे। देख पूर्णिमा, तेरी वजह से ना इस ब्याह में पहले ही बहुत रायता फैल चुका है। अब अगर तूने और रायता फैलाने की कोशिश की ना तो मैं तुझे समेटने का मौका नहीं दूंगी। याद रखना इस बात को। अब इससे पहले कि कोई देखे, निकल जाए यहाँ से, जाओ।